जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने नापाक हमले को अंजाम दिया है। पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर दहशत गर्दों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की। ये हमला पुंछ के सुनरकोट के सनाई गाँव में हुआ। आतंकियों की इस नापाक हरकत में 5 से ज्यादा जवान घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल भेज दिया गया है। खबर यह है कि शनिवार 4 मई की शाम 5:30 बजे ये हमला हुआ, जिसके बाद सेना के जवानों ने जवाबी फायरिंग भी की। इस दौरान एयरफोर्स के वाहनों के काफिले पर हुए हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें एयरफोर्स की गाड़ियों पर गोलियों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आतंकी हमले में गाड़ियों पर गोलियों के दर्जन से ज्यादा निशान है। बता दें कि एयरफोर्स के वाहनों को शाह सतार के पास के एयरबेस के अंदर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। उधर दूसरी ओर आतंकियों की इस नापाक हरकत के बाद इंडियन आर्मी भी एक्शन में आ गई और भारतीय सेना और पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां इलाके में भेज दी गई हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट की स्थानीय इकाई ने इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक और जहां पूरा देश लोकसभा के चुनावी रंग में रंगा है और 25 मई को अनंतनाग, राजौरी और पुंछ लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, ऐसे में इस इलाके में एक बार फिर आतंकी हमलों से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका अक्सर आतंकियों के निशाने पर रहता है। पिछले साल भी ये क्षेत्र सेना पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों का गवाह रहा था। ये बहुत एक गंभीर हादसा है और हमें दुख है कि हमारे एयरफोर्स कर्मी घायल हुए हैं। हम आशा करते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। पर चिंताजनक बात यह है कि ये हमले निरंतर चलते जा रहे हैं। ये कोई इसलिए नहीं कोई वेट कर रहा कि हाँ वो और जरा ज़्यादा इसमें आतंक फैले, खासकर हमारा इलेक्शन भी चल रहा है, पर अगर इलेक्शन ना भी होता तो हमला होता। बहरहाल इस आतंकी हमले के बाद दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।